नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फायर इन इंडिया। जानता हूँ ये वीडियो थोड़े गैप के बाद आ रहा है क्योंकि मैं सिटी चेंज कर रहा था, एक नई सिटी में सेटल हो रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो को लाने में, बट आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक पर, जो कि है वी सिप, यानी कि वैल्यू सिप। तो ये एक स्पेशल तरह की सिप है। सिप आप जानते होंगे जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में आपने काफी नाम सुना होगा जिसमें हम मंथली इन्वेस्ट करते रहते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट किसी पर्टिकुलर फंड में, और काफी आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आगे जाके हमारा एक कॉर्पस बन जाए, एक अच्छी खासी फंड वैल्यू बन जाए। तो वो होता है सिंपल सिप, जिसमें आपका रेगुलर सेम अमाउंट जाता रहता है हर महीने ऑटोमेटिकली, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट करने के बाद ये वी सिप क्रिएट की गई है, वैल्यू सिप इसका नाम है, जिससे हम कुछ और एडवांटेजेस ले सकते हैं, अपने सिप को और एनहांस कर सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, सिप से बहुत एडवांटेजेस लगा। तो वही सब मैं कवर करूंगा कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं वी सिप के, और ये एक्चुअली होता कैसे है। साथ ही मैं आपके लिए लाया हूं एक गूगल शीट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने बैक टेस्टिंग के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए। तो वो सब कैसे करना है उस सबको आपको धीरे धीरे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत करते हैं वी सिप को समझने से। तो वी सिप स्ट्रेटेजी है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, टारगेट बेस्ड सिप इन्वेस्टमेंट होती है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, यानी कि हमारा जो टारगेट है, जो हमें फाइनली वैल्यू अचीव करनी है अमाउंट, वो फिक्स्ड होता है हमारे मन में कि 2 साल में 4 साल में हमें 5 लाख तक इसमें हमारा वैल्यू हो जाना चाहिए। अगर आप सिप की बात करें तो उसमें आपका कोई फिक्स नहीं है, आप मंथली को फिक्स कर लेते हैं अपना अमाउंट, लेकिन आपका ये फिक्स नहीं है कि 4 साल बाद आपको कितना मिलेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा मिले, हो सकता है उतना ही मिले जितना आपने सिप किया, हो सकता है उससे कम मिले, लेकिन वी सिप में आप टारगेट सेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती घटती रहती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कैसे होता है वो ऑफकोर्स आपको मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं एक स्टॉक या फिर ETF जिसे हम परचेस करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें हम करते क्या है, हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते रहते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट से। तो हम शुरू में डिसाइड कर लेते हो कि हम वीकली या मंथली करेंगे, पहले ये डिसाइड करते हैं, फिर कितना अमाउंट करेंगे हर वीक ये डिसाइड करते हैं। इसमें ये फिक्स अमाउंट शुरुआत में है, लेकिन ये क्योंकि वीसिप है इसमें ये वेरी करेगा, वो आप देखेंगे थोड़ी देर में कैसे वेरी करेगा। तो होता क्या है इसमें, जब जब हमारा वो वीक का दिन आता है, अगर हमने वीकली चूज किया है, या मंथली का दिन आता है, जो भी हमने मंथली डेट चूज करी है कि हम इस दिन सिप करेंगे, उस दिन अगर हमारी टारगेटेड वैल्यू से हमारे स्टॉक की वैल्यू कम है तो हम और शेयर्स खरीद लेते हैं ताकि हम उसे टारगेटेड वैल्यू तक ले जा सके, और अगर वो टारगेटेड वैल्यू से ज्यादा हो चुकी है तो हम कुछ शेयर्स बेच देते हैं ताकि वो टारगेट वैल्यू पे नीचे आ सके। इस वीसिप में कभी हम खरीदते हैं कभी हम बेचते हैं। तो जब मैं आपको गूगल शीट दिखाऊंगा आपको आइडिया आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें होता क्या है, कब खरीदते हैं कब बेचते हैं, लॉन्ग टर्म में उसका क्या इफेक्ट निकल के आता है, और सिप सिंपल सिप से कंपेयर करें तो क्या फर्क आता है इन दोनों चीजों में। तो कुछ मेन एडवांटेजेस आपको वी सिप की बता दूं। सबसे पहली एडवांटेज है कि हमारी जो टारगेटेड वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है, काइंड ऑफ इररिस्पेक्टिव कि स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया है या नीचे चला गया है, उन 4-5 साल जितने भी साल के लिए आप सिप कर रहे हैं उसमें। दूसरा एडवांटेज यह है कि जब बहुत लंबा समय हो जाता है आपको वीसिप करते हुए, आपके प्रॉफिट बुकिंग्स बढ़ जाते हैं, यानी कि आपका मनी एट रिस्क कम हो जाता है, जो आपके पॉकेट से पैसा लगा होता है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, और एक ऐसा स्टेज भी आता है जब आपका पैसा जो भी आपके पॉकेट से गया है जीरो आउट हो जाता है और नेगेटिव में वैल्यू चली जाती है, यानी कि जितना आपने लगाया था वो सब रिकवर हो गया और अभी भी आप बहुत सारे प्रॉफिट पे बैठे हैं, यानी कि आपने फ्री शेयर जनरेट कर लिया है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। थोड़ा फैंसी सा लग रहा होगा लेकिन यस ये पॉसिबल है, ये बैक टेस्टिंग में मैंने देखा, कई सारे स्टॉक्स की मैंने की, और बैक टेस्टिंग फाइल मैं आपको भी दे दूंगा, आप खुद से किसी भी स्टॉक की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी पीरियड के लिए, जितना डेटा गूगल फाइनेंस अवेलेबल कराता है उस पीरियड में आप कोई भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये चलता कैसे वी से, उसके बाद मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताऊंगा क्योंकि उसे देखने के बाद आपको कुछ थोड़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ऑफकोर्स आपको जब डिसीजन लेना है कोई नई स्ट्रेटेजी में एंटर करने का, तो आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स का पता होना चाहिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का पता होना चाहिए। तो एडवांटेजेस मैंने बता दिए, लेकिन पहले मैं वो शीट कवर करता हूं, आपको दिखाता हूं कि कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे ये सब चलता है, और फिर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा क्योंकि आप फिर ज्यादा रिलेट कर पाएंगे उससे। तो ये शीट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए और अपने लिए,
बैक टेस्टिंग के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे वी सिप बैक टेस्ट वीकली, मंथली और सिप बैक टेस्ट। तो सिंपल सिप का भी मैंने यहाँ पे बना दिया ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि हो क्या रहा है, अगर हम वीकली वी सिप करते हैं या फिर मंथली वी सिप करते हैं या सिंपली सिप करते हैं तो रिजल्ट्स कैसे वेरी कर रहे हैं। आप सारी चीजें एक ही शीट में टेस्ट कर पाएंगे यहाँ, जो ये वी सिप बैक टेस्ट वीकली है। तो इसी शीट से शुरुआत करता हूं और आपको समझाता हूं कि ये बैक टेस्टिंग कैसे करनी है और रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करना है। तो मैंने ऑलरेडी एसपीआई का यहाँ पे डेटा पुल कर लिया है। तो यहाँ जो आप ये ऑरेंज में सेक्शन देख रहे हैं टॉप में, थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, तो जो आप ये ऑरेंज में सेक्शन देख रहे हैं टॉप में, यहाँ पे आपको ये पांच वैल्यूज भरनी है। स्टॉक ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, NAC:SPIN, एसपीआई का कोड ये है। स्टार्ट डेट जिस दिन से आप ट्रैक करना चाहते हैं बैक टेस्टिंग के लिए, एंड डेट जिस दिन तक आप ट्रैक करना चाहते हैं, और यहाँ पे साथ में मैंने आपको ये भी ऑप्शन दे दिया कि अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर आप मंडे को वी सिप करें, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जिस दिन भी आप वी सिप करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो दिन आप फिक्स कर लेंगे एक बार आपने चूज कर लिया, तो उसके हिसाब से क्या रिजल्ट्स आते हैं आप ये भी चेक कर सकते हैं। मंडे चेंज कीजिए, ट्यूसडे चेंज कीजिए, सारे चेक कर सकते हैं आप। और फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है वीकली सिप अमाउंट, कितने अमाउंट को आप वीकली अपनी टारगेट वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं कितने अमाउंट से, ठीक है। अब इन रिजल्ट्स की थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले यहाँ शीट को समझते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन यू नो स्टार्ट डेट हमने क्या डाली, वो सारा डेटा गूगल फाइनेंस के इस फॉर्मूला से यहाँ पे पुल हो जाता है। तो डेट और क्लोज प्राइस, क्योंकि मैंने क्लोज प्राइस पे सारी प्राइसेस बेस किए हैं वीसिप के। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे वीक नंबर, जहां पे भी बाय शुरू होगा वहां पे वीक नंबर अपने आप वन आ जाएगा, नेक्स्ट बाय पे टू, तो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है उसको ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट कॉलम में डेट है, ये गूगल फाइनेंस से आ रही है, तो जब जब ट्रेडिंग हुई है सिर्फ ट्रेडिंग डेज आपको यहाँ पे दिखेंगे और उस दिन क्लोज प्राइस क्या था वो यहाँ पे आपको दिखेगा। और वीकडे जो भी आपने चूज किया है, जैसे कि आपने यहाँ वेंसडे ऊपर चूज किया, तो वेंसडे को ही सारे ट्रांजेक्शन होंगे, बाय होगा या सेल होगा वो सिर्फ वेंसडे को होगा, वो ऑटोमेटिकली शीट में सेट हो रखा है। तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं बैक टेस्टिंग के लिए, सिर्फ ये पांच वैल्यूज ऊपर डालनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए हुआ क्या, तो वेंसडे जैसे ही आया अमाउंट यहाँ पे इसने 5000 पुल कर लिया, यहाँ से जो भी आप यहाँ अमाउंट डालेंगे वो यहाँ पुल कर लेगा। तो हमें स्टार्ट करना है 5000 इन्वेस्टमेंट से, उस दिन का क्लोज प्राइस था 242.90। तो यहाँ पे इसने ट्रैक किया कि यहाँ बाय होना है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये पहला ट्रांजैक्शन है तो सेल तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारी कोई होल्डिंग नहीं, तो यहाँ बाय होगा। टारगेटेड वैल्यू हमारी 5000 से स्टार्ट होती है, हम पहले वीक में 5000 वैल्यू टारगेट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से उसने बता दिया हमें 20 यूनिट्स परचेज करने हैं। सब कुछ फॉर्मूला से आ रहा है, प्रीवियस यूनिट जीरो बिकॉज इससे पहले हमने कुछ परचेज नहीं किया था, टोटल यूनिट तो प्रीवियस प्लस अभी आज के यूनिट को ऐड करके हमको बता देता है अब आपके पास टोटल 20 यूनिट्स हैं इस दिन में। स्टॉक वैल्यू बिफोर ट्रांजैक्शन, जो भी बाय या सेल निकल के आता है उस दिन का, उससे पहले स्टॉक वैल्यू क्या थी, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं था इसलिए यहाँ पे जीरो। प्रॉफिट या लॉस में ये ट्रैक करेगा कि कितने हम प्रॉफिट या लॉस में चल रहे हैं। और ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहा है कि कितने यूनिट कितने प्राइस पे खरीदने पे हमारी क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और एवरेज प्राइस आ जाएगी जो भी अभी तक हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो वीसिप कॉस्ट में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक हमारे पॉकेट से हो चुका है वो आएगा, और एवरेज वैल्यू आ जाएगी वीसिप कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी वी हैव, यहाँ पे एवरेज प्राइस आपको दिखेगा। और वीसिप वैल्यू अनरियलाइज, तो जो भी टोटल क्वांटिटी है और उस दिन के क्लोज प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो पहले दिन तो ऑफकोर्स ये और ये सेम है बिकॉज प्राइस सेम था, लेकिन अगले दिन जैसे जैसे प्राइस चेंज हुआ आप देखेंगे इन दोनों में फर्क आ रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स है हमने इतना अमाउंट अपने पॉकेट से इन्वेस्ट किया, लेकिन ये क्लोज प्राइस के बेस पे चेंज हो रहा है। और इसी तरह प्रॉफिट और लॉस चेंज हो रहा है डिपेंडिंग की स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट बुक, अभी तक हमने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया इसलिए जीरो है। इसके बाद है प्रॉफिट बुक सो फार, यहाँ पे ट्रैक होगा जैसे जैसे हम प्रॉफिट बुक करेंगे सब एड अप होते जाएंगे ताकि हम लास्ट वाले सेल में देख सके हम कितना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं उस पर्टिकुलर डेट तक। और उसके बाद एक और कॉलम मैंने डाला है स्पेयर फंड एक्यूमुलेटेड, तो जैसे कि हम 5000 इन्वेस्ट करना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ हुआ 4852 रुपीज, इसलिए जो बच गए 142 उसको मैं स्पेयर फंड कह रहा हूं। तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे स्पेयर फंड्स आपके बढ़ते रहेंगे या घटते रहेंगे डिपेंडिंग की कितना स्टॉक आपको खरीदना पड़ रहा है या कब आप बेच रहे हैं, ठीक है, इसको देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या हुआ। तो जैसे ही नेक्स्ट वेंसडे आया, अगेन हमारी शीट ने चेक किया कि यू नो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं, तो इतने हम लॉस में थे क्योंकि हमारा और 5000 ऐड होना था इसमें, उसके बेसिस पे इतना लॉस निकल के आ रहा था, यानी कि इतनी वैल्यू हमें और इंक्रीज करनी थी अपने स्टॉक्स में, ये शीट ने कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पे हमें कहा 19 यूनिट्स और खरीद लो, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हमारी एंड में वैल्यू हो गई वीसिप कॉस्ट, ये जो ट्रांजैक्शन ये प्लस ये ऐड करके
9,640 अभी तक हमारे पॉकेट से चले गए हैं और क्लोज प्राइस के बेसिस पे 9,816 हमारा वैल्यू हो जाता है। तो इसी तरह ये चलता रहता है, बाय बाय आप देखते रहेंगे, बाय 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 आ रहा है, बाय आ रहा है। तो अभी मैं एक फिल्टर लगा देता हूं ताकि हमें सिर्फ वो वेंसडे वाले ट्रांजैक्शन दिखें। ओके, अब हमें सिर्फ वो दिखे, बीच का मैंने पोर्शन हटा दिया है। यहां देखेंगे आप चलता जा रहा है, बाय 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 बाय, यहां जाके 28th वीक में सेल हुआ बिकॉज हमारी जो वैल्यू थी 1236 से ऊपर हो गई थी, इसलिए इसने कहा कि 4 यूनिट सेल कर दीजिए, जो हमने कर दिया और इतना प्रॉफिट आ गया। तो यहां वो प्रॉफिट अमाउंट में ऐड हो गया और बुक प्रॉफिट में वो ऐड हो गया। और यहां पे आप देख सकते हैं स्पेयर फंड हमारे पास 5711 कलेक्ट हो गए, क्योंकि आप यहां अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू में देखेंगे तो 5000 नहीं हो रहा है हर बार, कभी ज्यादा हो रहा है तो कभी बहुत कम भी हो रहा है। लाइक यहां 288 ही हुआ, यहां 2934 हुआ, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू बढ़ती या घटती रहेगी जितने हमारे स्पेयर फंड्स बच रहे हैं या एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, यहां से आप वो ट्रैक कर पाएंगे। तो जब तक ये वैल्यू पॉजिटिव में है स्पेयर फंड, यानी कि जो हमने 5000 एलोकेट किए हैं वीकली के लिए, अभी हमारे पास उसमें से एक्स्ट्रा फंड्स बचे हुए हैं। और जब ये नेगेटिव में आती है वैल्यू, जैसे कि यहां पे हुआ, यानी कि हमें पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा उन 5000 की वैल्यू से ऊपर, ये है इसका मतलब। ठीक है, इन स्पेयर फंड्स को आप कैसे यूज करते हैं आपके ऊपर है। इन जनरल आप मे बी इन्हें लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं जब ये साइजेबल अमाउंट हो जाए, लाइक 10,000 से ऊपर हो जाए, उससे नीचे हो तो डालने का फायदा नहीं, क्योंकि फिर वीकली निकालना बेचना कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। तो थोड़ा साइजेबल अमाउंट हो जाए उसके बाद आप इन्हें लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं, लाइक ऐसे 10,000 बट 50,000 या ऐसे कुछ हो जाए तब आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपने स्पेयर फंड्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये पूरी शीट आपको दिखाएगी क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए। तो इसका पूरा सार मैंने यहां पे निकाला है, अभी सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, ये जो टॉप वाला है वीकली वाला। ठीक है, ये रो नंबर 2 में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, 3 और 4 का भी बताता हूं क्या है उनका मतलब। तो टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेटेड, सो इस टोटल पीरियड में हमारे पास इतनी यूनिट्स यानी कि इतने शेयर्स एसबीआई के एक्यूमुलेट हो गए 2316। और ये पीरियड कितना है, 5 साल का, 1 जनवरी 2017 से लेके 14 नवंबर 2021। In 5 years, sorry, not 5 years, more than 5 years, almost 6 years, 2316 accumulate हो गए। Price at starting, तो जिस दिन हमने start किया था, इस वो price ये था, और जिस दिन end हुआ, last day, यानी कि 14 November के आसपास जो भी trading day था, उस दिन ये price था। तो price में कितना appreciation हुआ? 109%। हमारी pocket से कितना amount invest हुआ? वो यहाँ आएगा invested amount। टारगेट वैल्यू अचीव, हमने कितनी टारगेट वैल्यू अचीव कर ली, तो यहां देखिए हमारी पॉकेट से गए 2,61,000 और हमने अचीव कर लिया 12,15,000 की वैल्यू, यानी कि हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट में जो एप्रिसिएशन हुई वो है 364%। ओके, बुक प्रॉफिट, हम कितना प्रॉफिट बुक किया इस पीरियड में, 29 लाख एंड होल्डिंग मंथ 58। एवरेज प्रॉफिट पर मंथ मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया है जो टोटल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय यू नो द होल्डिंग मंथ्स। तो एवरेज प्रॉफिट ऑन एन एवरेज 50,000 का पर मंथ प्रॉफिट हम इसमें कमा रहे हैं। और स्पेयर फंड हमने कितने एक्यूमुलेट कर लिए, लास्ट जो आप यहां देखेंगे जो लास्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, यहां पर कितने स्पेयर फंड हमारे पास एक्यूमुलेट हो गए थे, यानी कि हम प्लस में चल रहे हैं 9,53,000। तो जो भी हमारे वो 5,000 करके इतने वीक तक अमाउंट आता 243 वीक तक, उसके अलावा हमारे पास इतना अमाउंट बच गया, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुई वो यहाँ पे वीसेप कॉस्ट में आपको दिखेगी, उसके अलावा इतना अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है जो इन्वेस्ट नहीं हुआ हमारी पॉकेट से, विच इज अ ग्रेट 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 थिंग इफ यू थिंक इफ यू कंपेयर इट विद SIP, जो कि अब आप नीचे देखेंगे रिजल्ट्स में। ठीक है, तो ये था वीकली का। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं वेंसडे से कुछ और, वो रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं किस में कौन से दिन में बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑफकोर्स ये यू नो स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करेगा, पीरियड टू पीरियड डिपेंड करेगा कि क्या रहा है। तो मैंने अपने लिए फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ आप देखेंगे रिलायंस में ट्यूसडे कर रहा हूँ, तो मुझे रिलायंस में ट्यूसडे के रिजल्ट्स ठीक लगे। और सेम डे में मैं दूसरा भी करना चाहता था, मैं 2 VSIPs करना चाहता था, तो SBI में भी मैंने ट्यूसडे किया हुआ है। बट आप चेक कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं और थोरली, और फिर अपना डिसाइड कर सकते हैं, या किसी और रीजन से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद आएगा, कौन सा दिन आप रखना चाहते हैं अपने VSIPs के लिए, क्योंकि उस दिन आपको मैनुअली ट्रांजैक्शन करना है, ये भी याद रखिए, इसलिए भी आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर आप वर्किंग है तो किसी पर्टिकुलर डे आप ज्यादा फ्री रहते हैं तो वो आप VSIP के लिए चूज कर सकते हैं, रादर देन यू नो बिजी डे पर चूज करने के, ताकि आप मिस ना करें अपने VSIPs को।
तो अब मंथली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मंथली में मैंने यहाँ पे शीट बनाई, तो इसमें क्या किया मैंने, वीकली में जो भी डेटा डाला मैंने फॉर्मूला से यहाँ पुल कर लिया। तो जब आप खुद बैक टेस्ट करेंगे इस शीट में, तो जो भी आप वहां पे सिंबल डालेंगे पिछली शीट में, इस वीकली वाली में, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्टार्ट डेट और एंड डेट भी आ जाएगी, और सिप अमाउंट यहाँ पे ये मैनुअली डालना पड़ेगा आपको, सिप अमाउंट, ठीक है। जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, जो भी आपने वहां वीकली डाला है। इनफैक्ट मैं वो भी कर सकता हूँ, ओके ठीक है। अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 वीक्स अज्यूम करते हैं हम एक मंथ में। तो टोटल यूनिट्स, ये मंथली का डेटा है, ये इसी की समरी मैंने यहाँ पे पुल कर लिया है फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पे ताकि हम कंपैरिजन कर सके डायरेक्टली एक ही पेज पर कि वीकली और मंथली में क्या फर्क आ रहा है। तो यूनिट्स तो ऑलमोस्ट लगभग सेम है, ये तो ऑफकोर्स सेम ही होगा, प्राइस एट स्टार्ट एंड प्राइस एट एंड, ये सब सेम है। इन्वेस्टेड अमाउंट ये भी लगभग सेम होगा, जितना ज्यादा पीरियड होगा, लंबा पीरियड, उतना ज्यादा ये क्लोज आते जाएंगे, जितना शॉर्ट पीरियड होगा थोड़ा दूर रह सकते हैं, बट ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम होगा। टारगेट वैल्यू अचीव्ड यहाँ पे 12 लाख था, यहाँ पे 11,80,000 है। एप्रिसिएशन यहाँ पे देख सकते हैं आप, एप्रिसिएशन ज्यादा है बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम हुई लेकिन टारगेट वैल्यू ज्यादा अचीव हुई, इसलिए एप्रिसिएशन ज्यादा दिखा रहा है। और बुक प्रॉफिट यहाँ पे आता है मेन चीज, यहाँ पे देखेंगे आप 29 लाख बुक करे लेकिन यहाँ 16 लाख ही बुक हुए, तो इस वजह से एवरेज प्रॉफिट पर मंथ यहाँ पे काफी कम है। तो ये रिजल्ट कंसिस्टेंटली सारे बैक टेस्टिंग में मुझे दिखा कि हम मंथली जब करते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट पर मंथ कम आता है, हमारे बुक प्रॉफिट कम आते हैं, हमारी टारगेट वैल्यू अचीव कम आती है वर्सेस जब हम वीकली करते हैं। इसलिए मुझे वीकली पसंद आया, मैं खुद के लिए वीकली कर रहा हूँ। स्पेयर फंड अक्यूमुलेटेड, यहाँ ज्यादा स्पेयर फंड्स हो गए बिकॉज कम इन्वेस्टमेंट हुआ, इसलिए स्पेयर फंड ज्यादा है यहाँ पे। और स्पेयर फंड कुछ इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि जब मैं वीकली यहाँ पे बैक टेस्ट में फॉर्मूला लगाता हूँ तो किसी पर्टिकुलर वीक में अगर वेंसडे मिस हो गया तो ये शीट उस वाले को ट्रीट ही नहीं करती, उसे कंसिडर ही नहीं करती, उसे स्किप कर देती है, ठीक है। तो उसके 5,000 भी एड नहीं करती, वर्सेज मंथली में वो हर मंथ के स्टार्ट में एड करती ही करती है, तो उस वजह से भी डिफरेंस आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मंथली में मैंने ये अज्यूम किया था कि हर मंथ के स्टार्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ ट्रैक हो रहा है मंथ हैज चेंज, तो बाय कीजिए, मंथ हैज चेंज्ड, बाय कीजिए। तो ये ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पे मंथली वाली शीट में देख सकते हैं। अब लास्ट शीट है सिप बैक टेस्ट वीकली, ये है सिंपल सिप जहां पे हम कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, हर वीक 5,000 इन्वेस्ट करते हुए जा रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा उसका रिजल्ट देखते हैं। सेम पीरियड सब कुछ सेम है यहां तक। यूनिट्स कितनी हमने अक्यूमुलेट करे, 4,234, ऑफ कोर्स इसके कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट डबल है, ये सब सेम है। इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी पॉकेट से कितना इन्वेस्ट हुआ, 11,80,000। सो ये पहला पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है, यहाँ वीसिप में हमारे पॉकेट से इतने 5 साल के पीरियड में जब एंड में हमारे पॉकेट से सिर्फ 2,61,000 ही इन्वेस्टेड रह गए थे। अब मैं सिर्फ वीकली वीकली कंपेयर करूंगा, ओके तो 2,61,000 इन्वेस्टेड रह गए थे, लेकिन यहां पे बिकॉज हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं सिंपल सिप में, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करते जाते हैं, जो सारा पैसा हमारी पॉकेट से जाता है वो सब इन्वेस्टेड ही रहता है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हाई है 11,80,000। जिसका ये मतलब भी है कि अगर किसी वजह से ये स्टॉक बहुत तेजी से गिरता है तो मेरी वैल्यू एट रिस्क ज्यादा है, यानी कि 11,80,000 मेरे रिस्क पर है वर्सेस यहाँ पे मेरा रिस्क अब सिर्फ 2,61,000 पे ही रह गया है। ये है सबसे बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज। नेक्स्ट टारगेट वैल्यू अचीव, ऑफकोर्स यहाँ पे टारगेट वैल्यू हम ज्यादा अचीव कर पा रहे हैं, ये एक एडवांटेज आप सिर्फ का कह सकते हैं कि टारगेट वैल्यू हमें ज्यादा अचीव होती है बिकॉज हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ निकाल नहीं रहे हैं वहां से, इसलिए ये ज्यादा है यहाँ पे 21 लाख। ओके इन एप्रिसिएशन इन इन्वेस्टेड अमाउंट, तो 11 लाख हमारा इन्वेस्टेड था, 21 लाख उसकी वैल्यू हो गई, तो 83% इसका एप्रिसिएशन हुआ वर्सेस आप यहां देख सकते हैं 364% एप्रिसिएशन बिकॉज हमारा वैल्यू एट रिस्क कम हो गया, मेन फैक्टर वो है। ओके और एवरेज प्रॉफिट पर मंथ 0 बिकॉज वी नेवर बुक प्रॉफिट हियर। ओके एंड स्पेयर फंड अक्यूमुलेटेड, यहाँ पे हमारे पास स्पेयर फंड में सिर्फ 34,000 है। ये स्पेयर फंड, एक और चीज आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ थोड़ा राइट में जाते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू आप देखेंगे कई जगह पर बहुत हाई भी दिखेंगे आपको क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, और यहाँ पे 95,000 इन्वेस्ट करने पड़े थे लेकिन हमारे पास स्पेयर फंड में 2,83,000 था, तो उस स्पेयर फंड से निकाल के हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो हमें कोई नया पैसा नहीं डालना पड़ा, ठीक है। तो ये स्पेयर फंड की एडवांटेज है
जो आपको ट्रैक करते हुए चलना है, और जब इतना बड़ा साइजेबल स्पेयर फंड हो जाए तो ऑफकोर्स उसे किसी लिक्विड फंड्स में डाल के रखे ताकि वो भी जब तक यूज नहीं हो रहा है आपको कुछ बेनिफिट देता रहे। ऑलराइट, तो इसलिए यहाँ पे स्पेयर फंड्स कम है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ही डिफरेंस होता है जो जो लाइक फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे कि हमने 5000 की सिप रखी लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4858 इन्वेस्ट हुए, इसलिए 142। ठीक है, तो ये ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे स्पेयर फंड्स इन सिप। ऑलराइट, सो कुछ और पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिर्फ इस वीकली वीसिप का रिलेटेड डेटा है। हाईएस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट, मैंने ये ट्रैक किया कि इन 5 सालों में हाईएस्ट सिंगल एक बार में मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ा, ये वीकली सिप है 1,16,000 एंड हाईएस्ट सिंगल प्रॉफिट बुक, एक बार में मैंने कितना प्रॉफिट बुक भी किया है वो है 2,19,000। आप इस शीट को पूरा देख सकते हैं, लाइक 2,19,000 तो यहाँ सीधा ही मुझे दिख गया 3rd February को जो बुक किया गया था। ठीक है, क्योंकि वैल्यू देखिए 275 से 335 जंप की थी, उसके बाद फिर 392 जंप हुई थी, इसलिए ये प्रॉफिट बुकिंग इतनी बड़ी बड़ी होती रहती है इसमें। ओके, और अगर वैल्यू बहुत गिरती है तो फिर बड़े वीसिप्स भी करने पड़ते, तो बड़ा सबसे बड़ा वीसिप जो हमें करना पड़ा वो था 1,16,000, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग 2,19,000 की थी। टोटल वीसिप ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन कितने हैं ये यहाँ पे काउंट करके बता रहा है आपको, 243, उसमें से कितने परचेज वाले ट्रांजैक्शन थे और कितने सेल वाले ट्रांजैक्शन थे और क्या परसेंटेज है उसकी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बताएगा, ये जस्ट आपको आइडिया देगा कि ज्यादा परचेजेस हो रहे थे उस पीरियड में या ज्यादा सेल्स हुए थे उस पीरियड में। और मैक्स स्पेयर फंड हमारा एक टाइम में कितना मैक्सिमम चला गया था स्पेयर फंड और कितना मिनिमम, मैक्स का मतलब है यानी हम प्लस में थे और मिनिमम नेगेटिव में होने का मतलब है कि हम अपने पॉकेट से इतना और एक्स्ट्रा देना पड़ा था अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर 5000 वैल्यू जो भी वैल्यू बन के आती उस वक्त। ऑलराइट, सो दोस्तों ये है वीसिप। अब कैसे इस शीट को यूज करना है ऑन अ वीकली बेसिस, ये शीट आप सबसे पहले तो जब ये शीट आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लेंगे इसको आपको जाके फाइल में जाके मेक अ कॉपी करना है, यहाँ पे जो भी नाम आप देना चाहते हैं और क्लिक ओके। उसके बाद इसकी कॉपी बन जाएगी आपके अपने अकाउंट में, आप मेरी कॉपी को एडिट नहीं कर सकते तो इसका एडिट एक्सेस मत क्लिक कीजिएगा, आपको एडिट एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको कॉपी बना के अपनी खुद की कॉपी बनानी है और अपने हिसाब से उसे यूज करना है। तो फिर आप इसमें क्या करना है, आपको जिस दिन भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी स्टॉक में स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक का सिंबल डालिए, यहाँ पे स्टार्ट डेट डालिए, एंड डेट वो मैंने फॉर्मूला लगाया टुडे, तो जिस भी दिन आप यू नो आज के दिन की डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सिप का दिन आप चूज कर सकते हैं, यहाँ चूज करने से यहाँ नीचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये सब मैनुअली हो रहा है, नीचे जो भी हो रहा है सिर्फ बैक टेस्टिंग में जब आप यहाँ चेंज करते हैं, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ वो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ वेंसडे है, अगर मैं ट्यूसडे को करता तो थोड़ी देर ये लगाएगा सारे फॉर्मूला कैलकुलेट करने में, शिफ्टिंग करने में, और हमें ये बता देगा कि ट्यूसडे को ये रिजल्ट्स क्या आए होते, और अगर हमने थर्सडे किया होता तो रिजल्ट्स क्या आए होते। ऑलराइट, और इन्हीं जो जो मैंने बैक टेस्टिंग करी उनके रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, 10 ईयर्स के वीकली वर्सेस मंथली रिलायंस में क्या रहा, किस पीरियड में उसका रिजल्ट क्या था। तो अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट नेगेटिव में देखें इसका मतलब है रिलायंस के शेयर्स फ्री हो गए थे, हमारा जो भी पॉकेट से पैसा लगा था वो सब रिकवर हो चुका था, जैसे इन्वेस्टेड अमाउंट जीरो आता है हमारा सारा पैसा रिकवर हो चुका है। ओके, इसका ये मतलब है। तो जहां जहां आप नेगेटिव वैल्यू देख रहे हैं समझ जाइए क्या मतलब है। तो रिलायंस में मैंने किया अलग अलग पीरियड में किया, और फिर मैंने वीकली जो किया उसके अलग अलग डेज में किया, वो डेटा आपको यहां मिल जाएगा। HCL टेक में किया, HDFC बैंक में किया, भारतीय एयरटेल में, जस्ट अलग अलग सेक्टर से बेस्ट स्टॉक्स उठा रहा था, SBI में किया। फिर 5 ईयर्स का डेटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 3 ईयर्स का मैंने ज्यादा नहीं किया क्योंकि छोटे पीरियड में वीसिप को इतने अच्छे से हम एनालाइज नहीं कर सकते बैक टेस्टिंग में, इसलिए 10 ईयर्स और 5 ईयर्स पे आप फोकस करके देख सकते हैं। तो जब आप बैक टेस्ट करें तो ऑफकोर्स मिनिमम 5 ईयर का तो बैक टेस्ट करना ही करना, उससे कम का करेंगे तो आप ठीक से उसके रिजल्ट्स को समझ नहीं पाएंगे। तो वीसिप है ही लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अब कैसे ये शीट यूज करनी है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, ये जो रिलायंस और SBI की शीट है इसमें आप अपना यहाँ पे कोड डाल सकते हैं जो भी स्टॉक आप कर रहे हैं। तो स्टार्ट डेट जिस दिन आप स्टार्ट करें वो डेट डालिए, एंड डेट ऑटोमेटिकली आज के दिन आ जाएगा, कौन से दिन आप अपना सिप रखना चाहते हैं वो, और वीकली सिप अमाउंट आप कितना रखना चाहते हैं। ये रिलायंस है इसलिए मैंने यहाँ पे 5000 रखा क्योंकि इसके स्टॉक्स महंगे होते हैं, 2700-2600 इस रेंज में चल रहे हैं। SBI में मैंने 5000 रखा क्योंकि यहाँ पे स्टॉक सस्ते हैं इसके 500 की रेंज में। ठीक है, तो इसलिए आप अपना अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने आपके लिए यहाँ मेथड में डाल दिया है। तो कैसे ये
चीज काम करती है, क्या आपको करना है ऑन अ वीकली बेसिस, वो यहाँ पे डाल दिया है। और कैसे आप अपना अमाउंट, वीकली अमाउंट क्या स्टार्ट होना चाहिए आपका, वो कैसे कैलकुलेट करें, वो यहाँ है। तो फाइनल टारगेटेड वैल्यू सबसे पहले आपको डिसाइड करनी है कि आपको इस पर्टिकुलर शेयर में कितना टारगेट करना है। तो सेम है, 5 लाख टारगेट करना चाहता हूं वो डालूंगा। फिर कितने मंथ्स में मैं टारगेट करना चाहता हूँ, 60 मंथ्स यानी कि 5 ईयर्स, 48 मंथ्स यानी कि 4 ईयर्स, उसके हिसाब से आप यहाँ पे मंथ्स में डालिए। फिर वो आपको बता देगा कि आपका वीकली सिप अमाउंट कितना है। थोड़ा ये हो जाएगा मंथली सिप अमाउंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैंने पहले मंथली किया था, मैंने इसे वीकली कर दिया है। बेसिकली इसे डिवाइड कर रहे हैं हम नंबर ऑफ मंथ्स, और एक मंथ में क्योंकि लगभग 4 हफ्ते होते हैं तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपका ये आ गया वीकली सिप अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे वो भर दीजिएगा, तो आपको ये कॉलम्स भरने हैं, इनको मैं कलर कर देता हूँ ऑरेंज में, और यहाँ पे नीचे ये वाले भरने हैं। तो जिस दिन आपने स्टार्ट किया वो डेट मैनुअली भरनी है, और उस कितने प्राइस पे आप खरीद रहे हैं वो यहाँ डालना है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आपको क्या करना है, उस दिन की डेट डालिए जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करने हैं, वो पर्टिकुलर वीकली दिन, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूजडे 23rd को आ रहा है, और से उस दिन 2600 का प्राइस चल रहा है, तो 2600 में डालूंगा, उस दिन डालूंगा, और उस वक्त वो मुझे बताएगा कि क्या करना है। तो मुझे बाय करने हैं 3 यूनिट्स, और मैं बाय कर लूंगा, एंड आई विल सिट टाइट। ऐसे ही करते हुए चलना है, ये मुझे बताता रहेगा कब बाय करना है, कब सेल करना है, कितने यूनिट सेल करने हैं, कितने बाय करने हैं, और ये साथ में आपका ट्रैक भी करता रहेगा कि आप स्पेयर फंड्स आपके प्लस में चल रहे हैं या माइनस में चल रहे हैं। ऑलराइट, तो ये शीट यूज करना बहुत आसान है। ये ऊपर के ऑरेंज वाले वैल्यूज भरिए, और यहाँ पे डेट और बाय सेल प्राइस भरते हुए चलिए हर वीक। कमिंग बैक टू द पावर पॉइंट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ वीसिप, क्योंकि एडवांटेजेस तो बहुत हैं, और नहीं होती तो मैं खुद से शुरू करता भी नहीं, तो मुझे तो बहुत पसंद है वीसिप, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बता दूं आपको। सिर्फ अमाउंट इसमें फिक्स नहीं है, जैसा कि अभी हमने शीट में देखा, कभी तो सिर्फ अमाउंट स्टार्टिंग में तो सिर्फ अमाउंट लगभग आपके अमाउंट के आसपास ही रहेगा जो भी आपने चूज किया, लेकिन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज होगा। कभी आप बुक कर रहे तो नेगेटिव में होगा, यानी कि आपको कुछ भी नहीं देना है, और कभी जब प्राइस बहुत डाउन चले जाएगा स्टॉक का तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप 5000 से स्टार्ट करते हैं तो आगे जाके वो 5000 नहीं रहने वाला, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जो स्पेयर फंड्स हम कलेक्ट कर रहे हैं वहां से उसकी देखभाल होती रहेगी, प्लस जो आप हर हफ्ते पैसा डालते रहेंगे उससे लगभग देखभाल होती रहेगी। बट पॉइंट यह है कि इसमें फिक्स नहीं है अमाउंट, आपको वेरी करते रहना पड़ता है अमाउंट डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक प्राइस। सेकेंड डिसएडवांटेज है, इट कांट बी ऑटोमेटेड, ये मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है, सिंपल सिप में आप सिंपली ऑर्डर लगा देते हो कि ये वाला खरीद लेना इस पर्टिकुलर डेट पे इतने अमाउंट का, और वो ऑर्डर चलता रहता है। यूजुअली म्यूचुअल फंड में हम वैसा करते हैं और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, हमें कुछ नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पे वीसिप में हमें मैनुअली ट्रैक करना पड़ता है, जैसा कि अभी आपने देखा शीट में कैसे करा है। तो ये दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस आपके हिसाब से हैं, ये वीडियो को समझने के बाद, शीट को समझने के बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ने में, मुझे बहुत मजा आता है कमेंट्स पढ़ने में, आप लोगों से भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है उसके थ्रू। तो प्लीज 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 शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स, मुझे इंतजार रहेगा। अब हमने सीख लिया वीसिप क्या है, अब इसमें कुछ और वैल्यू मैं आपके लिए ऐड करना चाहूंगा, एनहेंसमेंट जैसा कि आप जानते हैं, वो क्या है। पहला, इट्स बेस्ट टू डू वीसिप इन अ ब्लू चिप स्टॉक विच इज ऑल्सो ट्रेडेड इन FNO। तो आपको ब्लू चिप स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो कि FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हो, ताकि जब आपका साइजेबल अमाउंट हो जाए, इतना अमाउंट हो जाए आपके स्टॉक में जो कि 1 लॉट के बराबर हो, तब आप फार OTM यानी कि फार आउट ऑफ द मनी कवर्ड कॉल्स राइट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं बिना किसी रिस्क के। क्योंकि जब आप कवर्ड कॉल्स राइट करते हैं, आपके पास ऑलरेडी इतना स्टॉक है कि आप डिलीवरी दे सकते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं अगर वो आपकी जो कॉल है वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो जाए। ये सब मैं टर्मिनोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग की यूज कर रहा हूं, अगर आप नहीं जानते ऑप्शन ट्रेडिंग उसको भी सीखिए और फिर आप फ्यूचर में उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ये एक्स्ट्रा मनी कमाने का एक बहुत इजी तरीका होगा विदाउट एनी रिस्क, विच इज द मेन फैक्टर। इतना बड़ा अमाउंट आप रिस्क पे नहीं डालेंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी हर महीने कमा पाएंगे। नेक्स्ट चीज है,
एक बार आपका 3 लाख से ऊपर की होल्डिंग हो जाए, ये बहुत ही ऑप्शनल है और आप करना चाहे नहीं करना चाहे, इसमें थोड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है आपकी वीसिप में, तो आप ये ऑप्शनल है, जैसे मैंने कहा आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन मैं पर्सनली शायद करूंगी इसे, अभी तक नहीं है मैं उस लेवल तक पहुंचा हूं, तो मे बी एक रिव्यू मैं बना दूंगा जब मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं। लेकिन एक बार जब आप 3 लाख की वैल्यू पे पहुंच जाते हैं अपने होल्डिंग्स में, आप महेश सर की जीरो लॉस इंट्राडे स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट टारगेट रखिएगा सिर्फ 0.5%। जीरो लॉस इंट्राडे स्ट्रेटेजी क्या है उस पर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, वो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, तो प्लीज वहां जाके देख लीजिएगा। लेकिन वो भी एक सेफ तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, तो कैसे कर सकते हैं वो आप वहां देख लीजिएगा, लेकिन वहां से भी आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सारा चीजें डिटेल में इंट्राडे वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो ये था सारा वीसिप का कहानी और उसमें वैल्यूज और बैक टेस्टिंग की कहानी, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा और वो शीट आप यूज कर पाएंगे, बैक टेस्ट कर पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आप ये से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और फिर करना चाहते हैं तो उसी शीट को यूज करके आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों ऑल द बेस्ट वीसिप के लिए, और आपको कोई क्वेश्चंस हो कोई कमेंट्स हो प्लीज फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट, आई बी हैप्पी टू आंसर व्हेनेवर आई कैन। और अगर आपको पसंद आया ये पूरा वीडियो तो लाइक कीजिए वीडियो ताकि और तक भी ये पहुंच सके और लोग भी जान सके वीसिप के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।